प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हम समझेंगे प्रखर कार्य पुस्तिका गणित कक्षा 8 में कार्यपत्रक 57। आइए शुरू करते हैं। कार्यपत्रक 57 दक्षता, दशमलव संख्याओं के जोड़ घटाव गुणा एवं भाग करने की समझ बना पाना। सवाल नंबर 1, जोड़ कीजिए। 6.283 प्लस 3.206, 3 में 6 जोड़ेंगे 9, 8 में 0 जोड़ेंगे 8 का 8, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 और दशमलव की जगह 0.6, 6 में 3 जोड़ेंगे 9, कितना आया 9.489। ख 7.036 प्लस 3.021, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 0 में 0 जोड़ेंगे 0, 0.0, 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10.057। ग 2.293 प्लस 7.439, 3 में 9 जोड़ेंगे 12, 12 का 2, हासिल लगा 1, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10 और 3 13, 13 का 3, हासिल लगा 1, 2 और 1 3, 3 और 4 7, 0.0, 7 और 2 9, 9.732। ग 8.274 प्लस 3.329, 4 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 13, 13 का 3, हासिल लगा 1, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 और 2 10, 10 का 0, हासिल लगा 1, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 और 3 6, 0.0, 8 और 3 11, 11.603। अंग 5.210 प्लस 4.122, 0 में 2 जोड़ेंगे 2 का 2, 1 में 2 जोड़ेंगे 3, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 0.0, 5 में 4 जोड़ेंगे 9, 9.332। च 0.888 प्लस 9.231, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 का 1, हासिल लगा 1, 8 और 2 10 और 1 11, 11 का 1, हासिल लगा 1 और ये 0.0, 9 में 1 जोड़ेंगे 10, 10.119। ये हमने 0.0 की जोड़े हल की। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, घटाव कीजिए। अब हमें ये घटाव करनी है। क 7.752 माइनस 5.031, 2 में से 1 घटाएंगे 1, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 7 में से 0 घटाएंगे 7 का 7, 0.0, 7 में से 5 घटाएंगे 2, 2.721। ख 4.345 माइनस 2.129, 5 में से 9 घटाएंगे, नहीं घटेगा, 5 इस 4 से उधार लेगा, 4 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ हो जाएगा 15, 15 में से 9 घटाएंगे 6, 3 में से 2 घटाएंगे 1, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 0.0, 4 में से 2 घटाएंगे 2, कितना आया 2.216। ग 3.999 माइनस 1.887, 9 में से 7 घटाएंगे
दो, 9 में से 8 घटाएंगे 1, 9 में से 8 घटाएंगे 1, दशमलव का दशमलव, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2.112, ग 4.720 माइनस 1.982, 0 में से 2 घटाएंगे नहीं घटेगा, 0 2 से उधार लेगा, 2 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 2 घटाएंगे 8, 1 में से 8 नहीं घटे, यहाँ से उधार लेंगे, ये एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 6 और यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 8 घटाएंगे 3, 6 में से 9 नहीं घटेगा, यहाँ से उधार लेंगे, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ हो जाएगा 16, 16 में से 9 घटाएंगे बचेगा 7, दशमलव का दशमलव, 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2.738, अंग 5.717 माइनस 2.031, 7 में से 1 घटाएंगे 6, 1 में से 3 नहीं घटेगा, 1 ही 7 से उधार लेगा, 7 एक उधार देगा तो यहाँ बचेगा 6 और यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 3 घटाएंगे 8, 6 में से 0 घटाएंगे 6 का 6, दशमलव का दशमलव, 5 में से 2 घटाएंगे 3, कितना आया 3.686, च 9.200 माइनस 7.001, 0 में से 1 घटाएंगे नहीं घटेगा, 0 इस 0 के पास जाएगा, यहाँ कुछ नहीं है, ये 0 इस आगे वाले 2 से उधार लाएगा, 2 एक उधार देगा, यहाँ बचेगा 1 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 आगे देगा, यहाँ बचेगा 9 और यहाँ हो जाएगा 10, 10 में से 1 घटाएंगे 9, 9 में से 0 घटाएंगे 9 का 9 और 1 में से 0 घटाएंगे 1 का 1, दशमलव का दशमलव, 9 में 7 घटाएंगे 2, 2.199। आइए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 3, नीचे दिए गए दशमलव बिंदुओं को गुणा कीजिए, हमें दशमलव बिंदुओं का गुणा करना है, क्या है 0.3 गुणा 2, तो हम 0.3 का गुणा 2 से करेंगे, कितना आएगा 0.6, ख 0.8 गुणा 0.8, तो हम 0.8 का गुणा 0.8 से करेंगे तो आएगा 0.64, ग 2.2 गुणा 1.5, 2.2 का गुणा 1.5 से करेंगे तो प्राप्त होगा 3.3, अगला है ग 0.45 गुणा 0.30, तो 0.45 का गुणा 0.30 से करेंगे तो प्राप्त होगा 0.135, अंग 0.60 गुणा 0.20, तो हम 0.60 का गुणा 0.20 से करेंगे तो आएगा 0.12, च 2.35 गुणा 0.15, तो 2.35 का गुणा 0.15 से करेंगे तो प्राप्त होगा 0.3525। अगला सवाल चौथा, नीचे दिए गए दशमलव बिंदुओं का भाग कीजिए, हमें इनका भाग करना है, क है 0.8 भाग 0.2, तो हम 0.8 में भाग देंगे 0.2 का तो हमें प्राप्त होगा 4, ख है 0.35 भाग 0.5, तो 0.35 में
भाग देंगे 0.5 का तो प्राप्त होगा 0.7। अगला, अगला ग 0.32 भाग 0.4 तो हम 0.32 में भाग देंगे 0.4 का तो प्राप्त होगा 0.8। ग 512 भाग 0.08 तो हम 512 में भाग देंगे 0.08 का तो प्राप्त होगा 6400। अगला है 480 भाग 0.12 तो हम जहाँ 480 में भाग देंगे 0.12 का तो प्राप्त होगा 4000। चाहे 10.64 भाग 0.02 तो हम 10.64 में भाग देंगे 0.02 का तो प्राप्त होगा 532। सवाल नंबर 5, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। हमें यहाँ रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। क है, किस संख्या का गुणा 100 से करें तो हमें 57.170 प्राप्त होगा। तो यानी आपको भाग देना होगा 0.57170। तो हम 0.57170 में भाग दें गुणा करेंगे 100 का तो प्राप्त होगा 57.170। ख है 289.36, इसमें हम किसका भाग दें कि हमें प्राप्त हो जाए 28.936। तो दशमलव देखिए यहाँ से यहाँ आ गया तो किसका भाग देने से आएगा ये 10 का। यदि हम 289.36 में भाग देते हैं 10 का तो प्राप्त होता है 28.936। ग है, हम किस संख्या में 10 का भाग दें कि हमें प्राप्त हो 24.5। तो यहाँ हम 245 में यदि हम भाग देते हैं 10 का तो प्राप्त होता है 24.5। ग है, हम किस संख्या का गुणा 100 से करें तो 52.482 ये प्राप्त हुए। तो हम 0.52482 इसका गुणा 100 से करते हैं तो हम 0.52482 और इसका गुणा करते हैं 100 से तो प्राप्त होता है 52.482। तो विद्यार्थियों, ये था कार्यपत्रक 57। आप भी इसे ध्यानपूर्वक समझिए और इसका अभ्यास कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।